नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है गैंग्स ऑफ हौसेपुर पार्ट टू और ये मूवी आपको किस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं दो हज़ार बारह में रिलीज हुई गैंग्स ऑफ हौसेपुर पार्ट टू एक विशाल भारतीय अपराध फिल्म है जो प्रशंसित फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा लिखित निर्देशित है ये गैंग्स ऑफ वासेपुर गाथा में दूसरे अध्याय के रूप में कार्य करता है जो झारखंड से धनबाद के कोयला माफिया के क्रूर दुनिया में गहराई से उतरता है कहानी 1990 के दो तक दो दशकों से सामने आती है और जटिल सत्ता संघर्ष राजनीतिक चालबाजी और प्रतिशोध की निरंतर खोज के इर्द गिर्द घूमती है जो जी तीन प्रतिबंधित अपराध परिवारों के उलझन देती है फिल्म शानदार कलाकारों की टोली है जिसमें नमाजुद्दीन सिद्दीकी मनोज बाजपेयी रीता चड्डा झमा कुरैशी और कई अन्य प्रमुख कलाकार शामिल है जो हिंसा और बदले के विश्वासघाती परिदृश्यों से पार करते हुए इन समूहों को प्राप्त में जान फूक देते हैं गैंग्स ऑफ पौसेपुर पार्ट टू बसी वहीं से शुरू होती है जहाँ उसके पूर्वी ने छोड़ा था जो हमें नाइट 1990 के दशक में ले जाता है वो अवधि जो बोजेपुर वासीपुर की शक्ति गतिशीलता के बदलाव के, के चिन्हित है एक समय की दुर्योग कोयला माफिया ने नेता सरदार खान के खात्मे के साथ क्रूर शांति सिंह के शरत पर अपनी पकड़ मजबूर करती है हालांकि सरदार का बेटा फैजल बदला लेने की तीव्र इच्छा के प्रेरित होकर मानव से इनकार कर देता है अपने तर्ज तरवार भोई भाई डेनिस के विपरीत फैजल अधिक गर्भवत्तक दृष्टिकोण अपनाता है अपनी समय का इंतजार करता है और सावधानी पूर्वक अपना खुद का समाज जो बनाता है इस बीच जैसे जैसे इंटरनेट का दबदाय होता अवैध मुनाफा खोती की एक नए युग की शुरुआत हुई कोयला माफिया का प्रभाव कम होता लगा जैसे जैसे फैजल की शक्ति बढ़ती है वो न केवल सिंह की हल्की बसेपुर में अब के वर्दिशों का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं गैंगपुर भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्र में सरदार खान के बेटे फैजल खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैम्य भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाते हैं उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुर्सी के भैजल की पत्नी मोन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह वो ही अपने पिता के खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म को यूसिफ मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी म्यूजिशन कारदरी राजकुमार राव और हिमंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख को बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलताओं के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अलचमत्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण जीवन तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया अनुभव भी तलाश करने की अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग भाग पूर्व प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोकन सिनेमा की प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव इससे कई इस सिनेमा प्रेमी के बीच गूंजता रहा है रिश्ते खरखरा रहे थे सड़क बकरेता अपना सामना मान बेच रहे थे और हवा हजारों वार्तालापों के शोष के गूंज रही थी इस भंगेदी प्रतिभा के बीच विक्रम सिंह नाम के एक युवा सरदार ने भीड़ का नेतृत्व किया उसकी लांग रंग की पगड़ी मानवता के समृद्धों के बीच एक प्रकाश मुक्त थी वो खुद को शांत फरिश्मा के साथ रखा था उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांति की आभास होता था विक्रम एक घड़ी था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनके दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराओं के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अवद सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जिसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनि ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जाँच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसकी मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान कहानियों में अंगू तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में रही थी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज ने उनके दिमाग में सोजल जल तस्वीर की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी

उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के सूक्ष्म थे थे एक थे एक बाधा प्रस्तुत करते विक्रम पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और के जोड़े परिवारों के साथ साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की गहरी प्रभाव किया है अस्वीकार कि कर दिया उन्होंने मिथुन राशि को अपनी परंपराओं के लिए आखिर के लिए रूप में देखा उनके परिवार की स्थिति पर पड़े पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित थे दूसरी ओर मिथुन को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा कुछ लोगों ने एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आने के बाद स्थायी को उसके संबंध आवाल उठाया है

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल के विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जमीनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की था हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये बहुत भेदों का पाठ प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण

साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फेजल खान के की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज बाजपेई की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की बेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुरुशी के भैजल की पत्नी मोहन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघाति दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रिमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा वही अपने पिता के खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते फिल्म मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव और के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासीपुर पार्ट टू के अपने डुबो को देता है एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अलचमत्व तो प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासीपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और सर्वपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म लंबी अवधि इसके कथा, संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की रोक सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों को पर को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ गैंग भाग पूर्व प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोक

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आभास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराव के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अवधु सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आँखें बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जो उसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनमियों ने एक टूटी हुई पार्कर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसकी बातचीत गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बालियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान कहानियों में अंगो तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का के के खुद को खोने के लिए भी है उनकी उनकी बातचीत और गहरी हो गई हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज ने उनके दिमाग में सोजल जल तस्वीर की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के भावनाओं को भी काबुल किया अब की आवाज जो तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़ा रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके प्रति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उस आश्चर्य जो हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बाज स्वरूप की वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक सौम्यम बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं की चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल में विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सचेप के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपिस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की था हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये मतभेदों का पाठ नहीं प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण असंगतता नोट्स सावधानीपूर्वक अपना खुद का समझ जो बनाता है इस बीच जैसे जैसे इंटरनेट का अवैध की एक नए युग की शुरुआत हुई कोयला माफिया का प्रभाव कम होता लगा जैसे जैसे भेजल की शक्ति बढ़ती है वो केवल दमधीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने परिश्यों का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम विस्फोटों का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं गैंग्स ऑफ गैंगपुर भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के सरदार खान के बेटे फैजल खान के की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरफार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों की बंद पर प्रकाश डालते रीसा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की बेंगलुरु की मां नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा के कुछल की पत्नी का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वास दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह वो ही अपने पिता की खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म को कोशी मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी म्यूजिशन काद्री राजकुमार राव और हिमबंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के गैंगस्ट्रसेपुर पार्ट टू के अपने डुबो हो देता है एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शक के लिए अलचमत्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकवील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और सोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके उपरांत कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक और सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ भाग पूर्वभाग प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि ये व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोक

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आभास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराव के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आवाहावा भी उसके अवधि सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी उसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनियो ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान का नियमित अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का, का अभ्यारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया

खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और शौदाय के जोड़े परिवारों के साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं की चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल न पहुँगी विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की थात हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये बहुत भेदों का पाठ नहीं प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण असंगतता नोट्स सावधानीपूर्वक अपना खुद का सामज्य बनाता है इस बीच जैसे जैसे इंटरनेट का अवैध मुनाफा खोती की एक नए युग की शुरुआत हुई कोयला माफिया का प्रभाव कम होता लगा जैसे जैसे भेजल की शक्ति बढ़ती है वो न केवल दमदीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने परिदृश्यों का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम विस्फोटों का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं भाग टू, एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्र में सरदार खान के बेटे फैजल खान के की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच मुझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैम्य भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ सुनने और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालती रीसा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश बेंगु की बेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुर्सी के भैजल की पत्नी मोन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वास दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की वो अपने पिता की खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते फिल्म को म्यूजिक मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी म्यूजिशन कारदरी राजकुमार राव और हिमंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलताओं के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अलग मत प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण जीवन तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार अनुभव भी तलाश करने की अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों को पर को आकर्षित किया जिसमें गैंग भाग पूर्व प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोकन

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांति की होता था। था। विक्रम एक साज था। उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनके दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराओं के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लापुत ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहली कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आवाहा आवा भी उसके अवद सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जिसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनमियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के 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 सार को पकड़ने की लालसा आगे कुछ सप्तों के जमीनों लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज ने उनके दिमाग में सोजल तस्वीर तस्वीर की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया की आवाज जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ा रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके पति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उसे आश्चर्य हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज़ नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक सौम्यम बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक अवसरदार रीति रिवाजों और शौदाय के जोड़े परिवारों के साथ था थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की

को छुआ गया था धीरे-धीरे दिल में पहुंचे विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग-अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी

न केवल दमहदीर सिंह की हल्की बसीपुर में अब तौर के बदलने परिदृश्यों का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम विस्फोटों का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं गैंग्स ऑफ बसीपुर भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फेजल खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैम्य भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कु के भैजल की पत्नी मोहन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की वही अपने पिता के खोन, आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव और हिमंकुभुल के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डुबो देता है एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अलस्तम प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शर्वपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म लंबी अवधि इसके कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक अनुभव भी तलाश करने की रोक सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ गैंग भाग पूर्व प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोक

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांति की होता था। था। विक्रम एक घरी साज था। उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराओं के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लापति ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अवध सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आँख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जो उसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बताए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनमियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही बिक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके निपुणता के मंत्रमुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताहों के जमीनों घरों के दुकान कहानियों में अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का, का अभ्यारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज ने उनके दिमाग में सोजल जसप्रीत तचित की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया अब की आवाज जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ाहट रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके पति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उस आश्चर्य जो हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने न... खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वस्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं की चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की प्रभाव कहां किया है हालांकि उनका रास्ता चुनौतियों से रहित हुई रिश्ते को अस्वीकार कर दिया उन्होंने मिथुन राशि को अपनी परंपराओं के लिए आखिर के लिए रूप में देखा उनके परिवार की स्थिति पर पड़ने पर वाले प्रभाव को लेकर चिंतित थे दूसरे ओर मिथुन को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा कुछ लोगों ने एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आने के बाद स्थायी को उसके संबंध का अहवाल उठाया है

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल कि विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की थात हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये बहुत भेदों का पाठ नहीं प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण

लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फेजल खान के की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलात है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुरुशी के भैजल की पत्नी मोन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह वो ही अपने पिता की खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म को यूसी मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी म्यूजिशन कारदरी राजकुमार राव और हिमंक भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलताओं के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शक के लिए अलचमत्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और सोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शक वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ गैंग भाग पूर्वागू प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि ये व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म का आलोक

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आभास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के समाप्त करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराव के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घरियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अवध सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी उसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनिओं ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्रों की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान का नियमित अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का विक्रमिकारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया

घोटे की एक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं का प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं के की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल न पहुँगी विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपिस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की था हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये बहुत भेदों का पाटने प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण असंगतता नोट्स सावधानीपूर्वक अपना खुद का जो बनाता है इस बीच जैसे-जैसे इंटरनेट का न केवल दमदीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने परिदृश्यों का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम विस्फोटों का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं गैंग बसेपुर भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फैजल खान के की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैम्य भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुरेश के भैजल की पत्नी का किरदार निभाया है अपराध और प्रतिशोध के विश्वास दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रिमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की वो ही अपने पिता की खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म को मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव और हिमबंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वॉशिपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अलचमत्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद गैंगस्ट्रव भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म के, इसके कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक और सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ भाग पूर्व प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म आलोक चुनाव संस्थानों की प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव इससे कई सिनेमा प्रेमी के बीच गूंजता रहा है रिश्ते खरखरा रहे थे सड़क प्रक्रेता अपना सामना मान बेच रहे थे और हवा हजारों वार्तालापों के सोस के गूंज रही थी इस भंगेदी प्रतिभा के बीच विक्रम सिंह नाम के एक युवा सरदार ने भीड़ का नेतृत्व किया उसकी लांग रंग की पगड़ी मानवता के समृद्धों के बीच एक प्रकाश मुक्त थी वो खुद को शांत फरिश्मा के साथ रखा था उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांति की होता था। था। विक्रम एक साज था। उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था वे एक संकरी गली के स्थित उनके दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराओं के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहली कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आवाहा आवा भी उसके अवद सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जिसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके मनपुणता के मंत्रमुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान कहानियों में अंगों बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का, का अभयारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आँस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज़ ने उनके दिमाग में आखिरी छाया डाली काबूल किया अब की आवाज जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ा रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके प्रति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उस आश्चर्य जो हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने न... खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक सौम्यम बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक अवसरदार रीति रिवाजों और शौद्याय के जोड़े परिवारों के साथ साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल में पहुँग विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी। दो अलग-अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई है। एक जीवंत अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की था हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये मतभेदों का पाटने के प्रतीक होने वाली से एक सुंदर शिपनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण असंगतता नोट्स सावधानीपूर्वक अपना खुद का समझ जो बनाता है इस बीच जैसे जैसे इंटरनेट का मुनाफा खोती की एक नए युग की शुरुआत हुई कोयला माफिया का प्रभाव कम होता लगा जैसे जैसे भेजल की शक्ति बढ़ती वो केवल की हल्की बसेपुर में अब के बदलने का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं गैंग भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फेजल खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज बाजपेई की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैम्य भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ सुन्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाते हैं उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की बेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुरेशी के भैजल की पत्नी मोहन सिन का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा वो वही अपने पिता के खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते फिल्म को मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव और हिमबंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासीपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अलचमत् प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वाशेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके अपरांत कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की रोक सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ गैंग भाग पूर्व प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोक

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांति की होता था। था। विक्रम एक साज था। उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था वे एक शंकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराओं के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लापत भी ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अवधु सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आँख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जिसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे ने एक टूटी हुई पार घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की की जांच उसकी उसकी नजर कठोर उसकी उंगलियों पर टिक गई उसकी मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिट गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताहों के जमीनों घरों के दुकान कहानियों अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का अभ्यारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज ने उनके दिमाग में सोजल तस्बीर तचित की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया अब की आवाज जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ाहट रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके प्रति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उस आशय जो हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने न... खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ था थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की प्रभाव का किया है हालांकि उनका रास्ता चुनौतियों से रहित हुई परिवार विशेष रूप से उनकी रूढ़ीवादी पिता ने अपनी समुदाय के बाहर की महिला के साथ उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया उन्होंने मिथुन राशि को अपनी परंपराओं के लिए आखिर के लिए रूप में देखा उनके परिवार की स्थिति पर पड़ने पर वाले प्रभाव को लेकर चिंतित थे दूसरी ओर मिथुन को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा कुछ लोगों ने एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आने के बाद स्थायी को उसके संबंध का आवाल उठाया है

को छुआ गया था धीरे-धीरे दिल में पहुंची विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सच्चेpathname के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग-अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई है एक जीवंत टेपेस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी

न केवल दमदीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने परिदृश्यों का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम विस्फोटों का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं गैंगसर बसेपुर में भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फैजल खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलात है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कु के भैजल की पत्नी मोहन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की वही अपने पिता के खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म को मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव और हिमबंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डुबो को देता है एक अजटमित छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अल्पमत प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और सोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक और सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ भाग पूर्वभाग प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म आलोक

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आभास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराव के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अवध सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आँख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जो उसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनिओं ने एक टूटी हुई पार कर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिट गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान कहानियों में अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का अभयारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुजर रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया

खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं का प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ था थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं की चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल महों की विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई है। एक जीवंत श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की थात हंसी की धनियों के गूंज रही थी ये मतभेदों का पाटने प्रतीक होने वाली से एक सुंदर शिपनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण असंगतता नोट्स सावधानी पूर्वक अपना खुद का बनाता है इस बीच जैसे-जैसे वो न केवल दमदीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने परिदृश्यों का भी सामना करते हैं अंत एक अंतिम का टकराव के लिए मंच तैयार करते है गैंगस्टर बसेपुर भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फैजल खान के की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैम्य भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलात है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुरेशी के भैजल की पत्नी मोहन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह अबोही अपने पिता के खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जूझता हुआ पाते फिल्म को ऋषि मिश्रा, पीयूष मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, म्यूजिशन शंकरadri, आज कुमार राव और हिममंकुश भुलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासीपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजमी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए आलमत्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासीपुर भाग टू उस सफलता से अब बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती यह फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म के, इसके कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक और सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की रोक कर सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज के तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ भाग पूर्व प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि ये व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोकन

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांति की होता था। था। विक्रम एक साज था। उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनके दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराओं के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहली कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आवाहा आवा भी उसके अवद सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी उसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बताए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताहों के जमीनों घरों के दुकान कहानियों अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का, का अभयारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आँस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज ने उनके दिमाग में सो जल तस्वीर तस्वीर की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया अब की आवाज जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ा रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके प्रति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उसे आश्चर्य हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने खोटे की एक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और श्रुदाय के जोड़े परिवारों के साथ साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की प्रभाव कहां किया है हालांकि उनका रास्ता चुनौतियों से रहित हुई विक्रम के परिवार रूप से उनकी रूड़ीवादी पिता ने अपनी समुदाय के बाहर की महिला के साथ उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया उन्होंने मिथुन राशि को अपनी परंपराओं के लिए आखिर के लिए रूप में देखा उनके परिवार की स्थिति पर पड़ने पर वाले प्रभाव को लेकर चिंतित थे दूसरी ओर मिथुन को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा कुछ लोगों ने एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आने के बाद स्थायी को उसके संबंध का उठाया है

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल मोकि विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई है एक जीवंत टेपेस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी के कलाकारों और लेखकों के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की था हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये बहुत भेदों का पाटने के प्रतीक होने वाली से एक सुंदर शिपनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण असंगतता नोट्स सावधानी पूर्वक अपना खुद का समझ जो बनाता है इस बीच जैसे-जैसे इंटरनेट का न केवल दमदीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने परिदृश्यों का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम विस्फोटों का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं गैंग बसेपुर भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्र में सरदार खान के बेटे फैजल खान के की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरफार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ सुन्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों की जीवन पर प्रकाश डालते रीसा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की मां नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुरेश के भैजल की पत्नी का किरदार निभाया है दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह वही अपने पिता की खून होने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते है। फिल्म कोषि मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी म्यूजिशन काद्री राजकुमार राव और हिमबंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजटमित छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए आलचमात्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ से भाग टू प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोक चुनाव की प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव इससे कई इस सिनेमा प्रेमी के बीच गूंजता रहा है रिश्ते खरखरा रहे थे रखे प्रक्रेता अपना सामना मान बेच रहे थे और हवा हजारों वार्तालापों के शोष के गूंज रही थी इस भंगेदी प्रतिभा के बीच विक्रम सिंह नाम के एक युवा सरदार ने भीड़ का नेतृत्व किया उसकी लांग रंग की पगड़ी मानवता के समृद्धों के बीच एक प्रकाश थी वो खुद को शांत भरिस्मा के साथ रखा था उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांति की आवास होता था विक्रम एक घड़ीसाज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक शंकरी गली के स्थित उनके दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराओं के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लापति ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आवाहा आवा भी उसके अवधि सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जिसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनमियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसकी मनपुणता के मंत्रमुग्ध हो गई बातचीत छिट गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान कहानियों में अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का अभ्यारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज़ ने उनके दिमाग में सो जल तस्वीर की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया अब की आवाज़ जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ा रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके प्रति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उसे आश्चर्य हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं का प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज़ नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक सौम्यम बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की इस प्रभाव विक्रम के, के, के साथ उनकी को कर दिया। उन्होंने मिथुन राशि को अपनी परंपराओं के लिए आखिर के लिए रूप में देखा उनके परिवार की स्थिति पर, पर लेकर ले चिंतित थे दूसरी ओर मिथुन को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा कुछ लोगों ने एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आने के बाद स्थायी को उसके संबंध आवाल उठाया है

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल, दिल न होगी। विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टिपिस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की था हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये बहुत भेदों का पाठ प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पणी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण नोट्स सावधानीपूर्वक अपना खुद का समझ जो बनाता है इस बीच जैसे जैसे इंटरनेट का मुनाफा खोती की एक नए युग की शुरुआत हुई कोयला माफिया का प्रभाव कम होता लगा जैसे जैसे भेजल की शक्ति बढ़ती वो ना केवल दमदीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम विस्फोटों का टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं भाग टू, एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फैजल खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच शख्स रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रीसा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश पेंग की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कु के भैजल की पत्नी मोन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की वही अपने पिता के खोने खौन, आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव और हिमंकुभूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासीपुर पार्ट टू के अपने डुबो हो देता है एक अजटमित छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अलचमत्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासीपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण जीवन तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और सोपुरी दिन ट्वेंटी टू करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके अपराधगत कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक और सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की रोक सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज के तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ गैंग भाग पूर्वभाग प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म आलोक

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आभास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराव के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आँख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जिसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनिओं एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके मनपुणता के मंत्र मुक्त हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं के एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताहों के जमीनों घरों के दुकान कहानियों अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का, का अभ्यारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुजर रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया

खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्दीपी सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गास की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व

को छुआ गया था धीरे-धीरे दिल नम आंखों विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे प्रेम के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग-अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई है एक जीवंत टेपेस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी के कलाकारों और लेखकों के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की, की गूंज रही थी सावधानी की पूर्वक की अपना खुद का साम्रज बनाता है इस बीच जैसे जैसे इंटरनेट का मुनाफा खोती की एक नए युग की शुरुआत हुई कोयला माफिया का प्रभाव कम होता लगा जैसे जैसे भेजल की शक्ति बढ़ती वो न केवल दमदीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने वर्दिशों का भी सामना करते हैं अंतत एक अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार करते हैं गैंगपुर में भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फैजल खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरफार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैम्य भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुरेशी के भैजल की पत्नी मोन हायत का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह वो ही अपने पिता के खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म को यूसी मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी म्यूजिशन कारदरी राजकुमार राव और हिमबंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलताओं के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजटित छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए अलचमत्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म के, इसके कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक अनुभव भी तलाश करने की सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ से भाग टू प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि ये व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोकन दोनों की प्रशंसा सांस्कृतिक प्रभाव इससे कई इस सिनेमा प्रेमी के बीच गूंजता रहा है रिश्ते खरखरा रहे थे रखे प्रक्रेता अपना सामना मान बेच रहे थे और हवा हजारों वार्तालापों के सोस के गूंज रही थी इस भंगेदी प्रतिभा के बीच विक्रम सिंह नाम के एक युवा सरदार ने भीड़ का नेतृत्व किया उसकी लांग रंग की पगड़ी मानवता के समृद्धों के बीच एक प्रकाश मुक्त थी वो खुद को शांत भरिस्मा के साथ रखा था उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आभास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था वे एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराव के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अवधु सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जो उसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसकी मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्तों के जमीनों घरों के दुकान कहानियों में अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का अभयारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुजर रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आँस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज़ ने उनके दिमाग में सो जल तस्वीर तस्वीर की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया अब की आवाज़ जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ा रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके प्रति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उस आश्चर्य जो हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने खोटे की एक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं का प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और शौद्याय की जोड़े परिवारों के साथ साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की विकास की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल महिला विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की था हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये बहुत भेदों का पाटने प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण

साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फैजल खान के की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैम्य भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ सुनने और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा के की पत्नी कुछ का किरदार निभाया है दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह ही अपने पिता की खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते फिल्म कोषि मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी म्यूजिशन काद्री राजमार राव और हिमबंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने देता है एक अच्छी छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शकों के लिए आलमत्व प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती यह फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और शोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके कथा, संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की है। इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ गैंग भाग पूर्वभाग प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोकना

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आवास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराओं के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अवधुद्ध सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जिसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनमियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नज़र उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसकी मनपुणता के मंत्रमुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बहानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान कहानियों अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का, का अभ्यारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज ने उनके दिमाग में सोजल तस्बीर तचित की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया अब की आवाज जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ाहट रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके प्रति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उस आशय हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने न... खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं का प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक सौम्यम बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं की चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की विकास की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व की प्रभाव का किया है हालांकि उनका रास्ता चुनौतियों से रहित के परिवार विशेष रूप से उनकी रूढ़ीवादी पिता ने अपनी समुदाय के बाहर की महिला के साथ उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया उन्होंने मिथुन राशि को अपनी परंपराओं के लिए आखिर के लिए रूप में देखा उनके परिवार की स्थिति पर पड़ने पर वाले प्रभाव को लेकर चिंतित थे दूसरी ओर मिथुन को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा कुछ लोगों ने एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आने के बाद स्थायी को उसके संबंध का आवाल उठाया है

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल में विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपिस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की थात हंसी की धर्षित धनियों के गूंज रही थी ये बहुत भेदों का पाठ नहीं प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पणी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण

लगाता है प्रत्येक सदस्य एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केन्द्रों में सरदार खान के बेटे फैजल खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज बाजपेयी के दरसदार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों की बंद पर प्रकाश डालते रीसा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की बेंगलुरु की मां नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कु के भैजल की पत्नी मोहन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह वही अपने पिता के खौन, खून आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते फिल्म को मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव और हिमंकुभूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजटमित छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शक के लिए अल्पमत प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण तकबील नहीं कर पाती है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और सोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके अपराधगत कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक और सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की इसके अतिरिक्त रिलीज की तारीख प्रवृत्त बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शकों वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ गैंग भाग पूर्वभाग प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोक के के सांस्कृतिक प्रभाव कई बीच गूंजता रहा है रिश्ते खरखरा रहे थे इस के बीच नाम के एक युवा सरदार ने भीड़ का नेतृत्व किया उसकी लांग रंग की पगड़ी मानवता के समृद्धों के बीच एक प्रकाश मुक्त थी वो खुद को शांत भरिश्मा के साथ रखा था उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आभास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराव के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा भी उसके अविध सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आँख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जो उसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसके मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिड़ गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं की एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताहों के जमीनों घरों के दुकान अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का अपहरणों के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुज रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आंस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज़ ने उनके दिमाग में सो जल तस्वीर की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया आपकी आवाज़ जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ा रह गई थी क्योंकि उसने अपने दिल की बात बता दी जिसमें उसके पति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उसे आश्चर्य जो हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने खोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं को प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं के की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और समुदाय के जोड़े परिवारों के साथ साथ थे आधुनिक दृष्टिकोण स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं की चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल न पहले विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठुन के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग के धागों को से बुनी गई है एक जीवंत टेपिस्ट्री बाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के, के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की थात हंसी की धनियों के गूंज रही थी ये मतभेदों का पाटने के प्रतीक होने वाली से एक सुंदर शिपनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण असंगतता नोट्स सावधानीपूर्वक अपना खुद का समझ जो बनाता है इस बीच जैसे-जैसे इंटरनेट का मुनाफा खोती की एक युग की हुई है वो न केवल दमदीर सिंह की हल्की बसेपुर में अब तौर के बदलने परिदृश्यों का भी सामना करते हैं अंत एक अंतिम का टकराव के लिए मंच तैयार करते है गैंग बसेपुर भाग टू एक शक्तिशाली कलाकारों की एक साथ लगाता है प्रत्येक सदस्यों एक सूक्ष्म प्रतिभाशाली प्रदर्शन करता है कहानी के केंद्रों में सरदार खान के बेटे फेजल खान की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है प्रतिशोध की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर फैजल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक सोच समझे रास्ते पर चल जाता है मनोज वाजपेयी की तरस्तार खान के रूप में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका निभाते जो हमें उनकी मृत्यु के कारणों को पैदा हुआ शून्य और उनके द्वारा छिपी गई विरासत की याद दिलाता है उसके बाद फिल्म इस नुकसान से प्रभावित हो लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते रिशा चड्डा और सरदार खान की पहली पत्नी और फैजल दानिश की पेंगुल की माँ नगमा खातून की किरदार निभाया है वो अपने पति की मृत्यु के बाद ही स्थिति और अपने बेटों के संघर्षों का सामना करते हैं हुमा कुरेशी के भैजल की पत्नी मोन सिंह का किरदार निभाया है जब वो अपराध और प्रतिशोध के विश्वासघात दुनिया से गुजरते हैं तो वो उसके समर्थन के निरंतर शोध के प्रति कार्य करता है रीमा सेन सरदार खान की भूमिका पत्नी और डेफिनेट की माँ दुर्गा की भूमिका निभाते हैं नगमा की तरह वो अपने पिता की खून खोने का आगे आने के वाली चुनौतियों से जुझा हुआ पाते हैं फिल्म को म्यूसिप मिश्रा पीयूष मिश्रा पंकज त्रिपाठी म्यूजिशन कारदरी राजकुमार राव और हिमंकु भूलिया के उल्लेखनीय प्रदर्शन के और भी प्रमुख बनाया गया है प्रत्येक अभिनेता अपने अपनी भूमिकाओं में गहराई और जटिलता के लिए जाते हैं और इसके बाद वो दर्शकों के ऑफ वासेपुर पार्ट टू के अपने डूबे एक अजटमित छाप छोड़ते अपनी कथा और दर्शक के लिए अलग प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ऑफ वासेपुर भाग टू उस सफलता से अब बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण जीवन नहीं कर पाती तो है फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन ट्वेंटी करोड़ का था और सोपुरी दिन ट्वेंटी करोड़ का था ये जिसमें करण फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया इस परिमाणों के कई कलाकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था फिल्म की लंबी अवधि इसके अपराध कथा संगत के साथ मिलकर कुछ दर्शकों को अधिक रोमांचक और सिनेमा अनुभव भी तलाश करने की रोक कर सकती है इसके अतिरिक्त रिलीज के तारीख बॉलीवुड फिल्म एक कथा टाइगर के साथ मिल खाते हैं इसमें संभवत एक बड़े दर्शक वर्ग को, को आकर्षित किया जिसमें गैंग्स ऑफ भाग पूर्वा प्रदर्शित पर भी प्रभाव पड़ा हालांकि ये व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही लेकिन फिल्म के आलोकन

उसके करीने से कटी हुई दाढ़ी और चुभने वाली नीली आंखों से शांत शांति की आवास होता था विक्रम एक घड़ी साज था उसके हाथ उतने कुशल और सटीक थे कि जितने वो नाजुक तत्वों के, के सम्मान करता था एक संकरी गली के स्थित उनकी दुकान शहर की आर्जकता के बीच शांति का ठिकाना थी ऐसा लग रहा था कि समय उसकी दीवारों के भीतर धीमा हो रहा था गहराव के साथ उनकी बातचीत के धीमी आवाज के अलावा घड़ियों के लाप ठीक ठीक की एकमात्र धनी है एक सुहा सुहावनी दोपहर में विक्रम की दुकान में एक ऐसी महिला आई जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी उसका नाम उमेशी था और उसके पास एक मनमोहक आभा आवाहा उसके सुंदरता से कहीं अधिक था उसके काली आंख बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थी और उसके दुकान के शरारत का संकेत था वो एक लेखिका थी जिसके दिमाग के कहानियों की एक बुलबुलिया थी जो बनाए जाने के प्रतीक्षा कर रहे थे जनमियों ने एक टूटी हुई पारकर घड़ी लगी थी जो उसकी दादी से मिली पारिवारिक विरासत थी जैसे ही विक्रम ने जटिल तंत्र की जांच की उसकी नजर उसकी कठोर उंगलियों पर टिक गई उसकी मनपुणता के मंत्र मुग्ध हो गई बातचीत छिट गई उनके शब्द धागों की तरह साझा अनुभवों और आकांक्षाओं के एक श्रृंखला बुन रहे थे उन्होंने अपने जुनून के बारे में बात की घड़ियों की जटिल सुंदरता के लिए विक्रम का प्यार और मिथुन की अपनी कहानियों के बानियों के भावनाओं के सार को पकड़ने के लालसा आगे अगले कुछ सप्ताह के जमीनों घरों के दुकान कहानियों में अंगों तक बन गया न केवल अपनी घड़ी की सहमत करने के लिए बल्कि विक्रम का अपारण्य के खुद को खोने के लिए भी है उनकी बातचीत और गहरी हो गई उनकी हंसी शांत दुकान में गुजर रही थी उनकी पंजाब के हरे भरे खोते की अपने बचपन की कहानियों साझा की और उन्होंने अपनी कहानियों की आस में उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया उनकी आवाज ने उनके दिमाग में सोजल जसबीर तचित की एक शाम जब डूबते सूरज की आखिरी किरण को दुकान पर लंबी छाया डाली विक्रम ने मिथुन के अपनी भावनाओं को भी काबुल किया अब की आवाज जो अब तौर पर इतनी स्थिर होती है जो थोड़ी सी खड़खड़ाहट रह गई थी क्योंकि उसने अपनी दिल की बात बता दी जिसमें उसके पति उसके स्नेह की गहराई का पता लगा चला उस आशय जो हुआ जिसने उसकी आंखें भर गई और उसने छोटे की एक सीजक भरी मुस्कान छू गई उसने उसकी भावनाओं का प्रतिकार करते हुए यह स्वीकार किया कि वो उसकी शांत शक्ति और उसके शांत बांझ स्वरूप की झलकने वाली सीमाओं के की दयालुता की ओर आकर्षित हो गई है उनकी प्रेम कहानी एक एक छिलते हुए गोल की तरह विकसित हुई चोरी की नजरों फुसफुसाए रहस्यों और साझा सपनों की पोषित हुई विक्रम की दुकान उनका स्वयं स्थल पर बन गई घोड़ियों की टिक टिक और तेल और चमड़े की खुशबू के बीच उनका प्यार खिल उठा वो उनकी कहानियों जोर जोर से पढ़ता था जैसे जैसे वो उसके पात्रों से जीवन भरता जाता था उसकी आवाज नरम पड़ती हो जाती थी बदले में वो उसे काम करते हुए देखती थी उसके समर्पण और कौशल की प्रशंसा के उसके दिल फूल जाता था उनके सांस्कृतिक मतभेदों के अद्यपि सूक्ष्म थे एक समय बाधा प्रस्तुत करते थे विक्रम एक पारंपरिक सरदार रीति रिवाजों और शौदाय के जोड़े परिवारों के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र आत्मा जामिनी ने इनमें से कुछ परंपराओं के चुनौती दी फिर भी उनका प्यार एक पुल साजित हुआ प्रत्येक ने एक दूसरे दृष्टिकोण को सीखा और अपनाया विक्रम ने जामिनी की स्वतंत्रता और ज्ञान की गाज की सराहना करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी स्वीकृति जोड़ी और परिवार के समुदाय को महत्व

को छुआ गया था धीरे धीरे दिल में पहुंची विक्रम ने पिता के अपने बेटे के टूट प्यार और जोमिनी के उससे सच्चे सामने के प्रमाण होकर अंतत अपना आशीर्वाद दिया मिठून के परिवार उनके बंधन की मजबूती देखकर अपना पूरा समर्थन दिया उनकी शादी प्यार और एकता का उत्सव थी दो अलग अलग संस्कृतियों के धागों को से बुनी गई एक जीवंत टेपिस्ट्री श्रद्धाबाजी अपनी रंग बिरंगी पहापियों के कलाकारों और लेखकों के साथ नृत्य कर रहे थे हवा ढोल की था हंसी की धनियों के गूंज रही थी ये मतभेदों का पाटने के प्रतीक होने वाली से एक सुंदर सिप्पनी बनाने की प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण असंगतता नोट्स